माइनक्राफ्ट के इस वास्ट वर्ल्ड के लोर में एक्सप्लोर और रिसर्च करने के लिए बहुत सी चीजें हैं और हम हर माइनक्राफ्ट मिस्ट्री के एपिसोड में इन्हीं मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड इसी टॉपिक में आज हम बात करेंगे ब्लेज के बारे में कि इनका जन्म कैसे हुआ, इनके पास ब्लेज रॉड्स कहाँ से आई और ये नेदर फोर्ट्रेस में क्यों पाए जाते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड इस वीडियो पे 17,000 लाइक्स के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह हमें हेल्प एंड सपोर्ट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज एपिसोड 28, स्टोरी ऑफ ब्लेज। ब्लेज मॉब सिर्फ और सिर्फ नेदर फोर्ट्रेस में पाए जाते हैं और जब भी हम इन फोर्ट्रेस में एंटर करते हैं तो विदर स्केलेटन के साथ साथ ये ब्लेज भी हम पर अटैक करने लगते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एंशंट ह्यूमंस ने जब नेदर फोर्ट्रेस बनाए थे तब उन्होंने इन नेदर फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैकेनिकल रोबोट या बोल सकते हैं एक मैकेनिकल गोलेम बनाया जिसका सिर्फ एक काम था कि प्रोटेक्ट दी नेदर फोर्ट्रेस। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इनको मैकेनिकल किस बेसिस पे बोल दिया, तो इसका आंसर आपको सिंपली समझ आ जाएगा कि जब भी आप ब्लेज पे अटैक करते हैं तो इनसे एक मेटल हिट करने की आवाज आती है। एंड एक पॉइंट और है कि जब गैस्ट फायरबॉल शूट करते हैं तो उनकी आवाज ऐसी होती है जैसे ऑर्गेनिकली वो फायरबॉल अपने ब्रेथ में कन्वर्ट करके थ्रो कर रहे हों, लेकिन जब ब्लेज फायरबॉल थ्रो करते हैं तो उनकी आवाज ऐसी होती है। ये आवाज सेम डिस्पेंसर से अगर आप फायरबॉल थ्रो करते हैं तो वैसी ही है। एंड अगर आप ब्लेज की नॉर्मल आवाज सुने तो ये ऐसी है जैसे इनके अंदर कोई वेंटिलेशन सिस्टम लगा है जो इनके अंदर की सारी हीट एज अ वेपर रिलीज करता है, तभी ऐसी आवाज करते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लेज मैकेनिकल रोबोट या एक गोलेम है जो नेदर फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एंशिएंट ह्यूमंस ने अपने वास्ट नॉलेज एंड मैजिक से बनाए थे। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल जो ब्लेज को लेके उठता है कि इनके पास जो ब्लेज रॉड है वो किस चीज से बनी है। हम अगर ब्लेज रॉड को देखें तो ये एक किस्म की रॉड्स हैं जो बहुत ज्यादा हीटिंग पॉइंट पे होने की वजह से ग्लो करती रहती हैं। जस्ट लाइक जब कोई मेटल बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तब वो भी ऐसे ही ग्लो करने लगता है। एंड रॉड्स भी ब्लेज रॉड्स और पॉप्ड कोरस फ्रूट से बनते हैं और जो एंड रॉड्स इतना ग्लो करती हैं उसका रीजन ब्लेज रॉड्स ही है जिसके हीट से एंड रॉड्स ग्लो करा करती हैं। देन इसका मतलब है कि ब्लेज रॉड्स किसी टाइप के मैजिकल क्रिस्टल से बने हैं जिसका यूज सिर्फ एंशिएंट ह्यूमन मैजिशियंस को ही आता था। और इसमें सबसे पक्की थ्योरी जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि ब्लेज रॉड्स माइनक्राफ्ट के न्यू अपडेट में आने वाले ग्लोइंग क्रिस्टल से बना है जिसका नाम है एमेथिस्ट शार्ड। ये एमेथिस्ट शार्ड ग्लो भी करते हैं एंड देखने में काइंड ऑफ ये एक रॉड जैसे भी होते हैं। रियल लाइफ में सिट्रीन क्रॉट्स नाम के क्रिस्टल्स होते हैं जो हल्के हल्के येल्लो होते हैं, तो इस लॉजिक को अगर हम जोड़े तो कह सकते हैं कि ब्लेज रॉड्स एमेथिस्ट शार्ड और नेदर में मिलने वाले क्वार्ट्ज का एक रिजल्ट है जो एंशिएंट ह्यूमंस ने अपने मैजिक से क्रिएट किया था। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये बस मेरी एक माइनक्राफ्ट मॉब थ्योरी है जो मैंने लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।